हेलो एवरीवन वेलकम टू हेलो स्कॉलर यूनियन बजट 2022 रिलीज हो चुका है चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ठीक है और इसका जो पीडीएफ है डिटेल में जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बिन प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स इन यूनियन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैक या सेवनटी फाइव थाउजेंड तो इसका करेक्ट आंसर है ए दैट इज फिफ्टी थाउजेंड जो डिडक्शन है वो सेम रखा गया है जो पिछले साल था और इवन जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो भी सेम रखे गए हैं इस साल कोई भी चेंज नहीं किया गया है ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए दैट इज फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स द कंसेशनल रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनके लिए जो कंसेशनल रेट दिया जाता है पंद्रह परसेंट का वो कितने साल तक बढ़ा दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है वन ईयर एक साल तक उसको इंक्रीज कर दिया गया है देखिए जो बजट है इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और जैसे बजट अभी अनाउंस हुआ है तो आने वाले जो भी एग्जाम्स है चार पांच महीने में तो उन एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन तो बजट से हंड्रेड परसेंट पूछे ही जाते हैं तो बजट आप लोग डिटेल में पढ़िए एकदम थॉर्डली पढ़िए और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो जरूर लगाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है द टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन सिस्टम उंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज विल बी इंक्रीज टू वॉट परसेंट मतलब क्या है जो ये स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज है तो उनका जो ये एनपीएस वाला सिस्टम है तो उसमें जो टीडीएस है उसका क्या जो टीडीएस uh, की लिमिट है वो क्या कर दी गई है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है सी दैट इज फोर्टीन परसेंट जो टीडीएस की लिमिट है वो फोर्टीन परसेंट कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मच अमाउंट विल बी डायरेक्टली पेड टू द फार्मर्स एज एम एस पी वैल्यू फॉर देअर क्रॉप्स तो गवर्नमेंट जो क्रॉप uh, परचेज करती है फार्मर से तो वो जो एमएसपी पर लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर तो गवर्नमेंट इस साल फार्मर्स को कितना पैसा देगी तो इसका करेक्ट आंसर है बी दैट इज टू पॉइंट थ्री सेवन लैख करोड़ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जो पी डी एफ है डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर डाउनलोड करके आप स्टडी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टैक्स हैज बीन इंपोस्ड ऑन इनकम जनरेटेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स जो क्रिप्टो करेंसी से इनकम जनरेट होती है उस पर भी इस साल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है और कितना टैक्स लगाया है थर्टी परसेंट ठीक है वर्चुअल एसेट्स से अगर आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को तीस परसेंट टैक्स देना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक विल सेट अप हाउ मनी डिजिटल बैंक इन सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स तो जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वो कितनी डिजिटल बैंक्स खोलेंगी देखिए इस बार अनाउंस हुआ है कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वो सेवनटी फाइव डिजिटल बैंक खोलेंगी सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट में ठीक है पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में पचहत्तर डिजिटल बैंक खोले जाएंगे ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितनी बैंक खोली जाएंगी सेवेंटी फाइव बैंक सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर हर घर नल से जल स्कीम हर घर नल से जल स्कीम के लिए कितना पैसा सरकार ने एलोकेट किया है तो इसका करेक्ट आंसर है सी दैट इज सिक्सटी थाउजेंड करोड़ साठ हजार करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है हर घर नल से जल स्कीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है नेक्स्ट हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द नेक्स्ट थ्री ईयर्स आने वाले तीन सालों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की जाएंगी इसका आंसर है ए दैट इज फोर हंड्रेड आने वाले तीन सालों में चार सौ नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की जाएंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ई सी एल जी एस है Scheme, उसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम के तहत एमएसएमई को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस and रिड्यूस रिलायंस ऑन import ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट हाउ मच ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस हैज बीन ईयर मार्ग फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री ठीक है सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए और अभी तक अभी क्या होता है इंडिया में डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है वो इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट को कम करने के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कितना कैपिटल प्रोक्योरमेंट किया गया तो वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज फिफ्टी परसेंट ठीक है तो ये यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट टू से रिलेटेड उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आप जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करिए और डिटेल में पी है बिल्कुल उसको जरूर पढ़िए कोई भी एग्जाम देने से पहले ठीक है तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में